अस्सलाम वालेकुम कंसल्टी साइड एंड बाय प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से उमर अब्दुल्ला, उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम आपके साथ डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शेयर करते आए हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने रिसेंट व्लॉग्स में बहरिया स्काई, जो कि बहरिया ऑर्चर्ड फेस 4 के कमर्शियल हब में एक टॉलेस्ट शॉपिंग मॉल बन रहा है, इसके हवाले से मैंने आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया। ये वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके आने वाले वक्त में बहुत ज़बरदस्त अर्निंग कर सकते हैं। मेरे बहुत से ऐसे कस्टमर्स जो मेन फिरोजपुर को लाइक करते थे और चाहते थे कि वहाँ ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखने में आए जिसमें वो अपने फंड्स को इंजेक्ट करते हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, ना सिर्फ उनको आने वाले वक्त में एक बेहतर अर्निंग देखने में आए बल्कि अपनी प्रॉपर्टी को एज अ रेंटल इनकम अगर उसको कंसिडर करते हैं तो उनको एक बेहतरीन रेंटल इनकम भी जनरेट हो। तो व्यूअर्स, आज के वीलॉग में मैं आपके साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट शेयर करूंगा जो कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ आपको एक अच्छे अर्निंग दे सकता है बल्कि रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप उसको कंसिडर करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त अर्निंग होगी। राइट नाउ मैं आपको बताना चाहूँगा जिस साइड लोकेशन पर मैं मौजूद हूँ, ये बहरिया ऑर्चर्ड फेस 4 है। बहरिया ऑर्चर्ड फेस 4 के कमर्शियल हब में मैं मौजूद हूँ जिसकी लोकेशन आपको मेन रायवे रोड पर मिलती है। मेन रायवे रोड पर जैसे ही आप अड्डा अप्रोच से टूवर्ड्स रायवे सिटी की तरफ मूव करते हैं तो इसकी लोकेशन आपको हार्डली 6 to 7 मिनट के डिस्टेंस पर देखने में आती है। लेफ्ट साइड पर आपको बहरिया ऑर्चर्ड का फेस 4 मिलता है। इस फेस 4 में आपको एक बहुत बड़ी ग्रैंड एंट्रेंस मिलती है। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो राइट साइड पर G2 ब्लॉक मिलता है। G2 ब्लॉक के कमर्शियल प्लॉट नंबर 3, 4 and 5 बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जो कि ओस डेवलपर का प्रोजेक्ट है। ओस डेवलपर जिन्होंने आज से तकरीबन 1 साल पहले इस प्रोजेक्ट की पहले डेवलपमेंट स्टार्ट की और उसके बाद आपको यहाँ पेमेंट प्लान जो है वो देखने में आया जिसमें कस्टमर्स ने बहुत ज़्यादा बुकिंग भी करवाई और आज अगर हम उनकी इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो एक अच्छे खासे वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। मेरे बहुत से कस्टमर्स हैं जो कि मेन फिरोजपुर को लाइक करते थे। मेन फिरोजपुर पर सेम डेवलपर का सेम प्रोजेक्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहरिया स्काई के हवाले से बताना चाहूँगा कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन आज से तकरीबन 1 साल पहले स्टार्ट की गई, आज इसकी बेसमेंट कंप्लीट है, इसका ग्राउंड कंप्लीट है, फर्स्ट कंप्लीट है, सेकंड फ्लोर कंप्लीट है, जोन ए की थर्ड फ्लोर पर जो है वो स्लैब पोरिंग की जा रही है, जोन बी का स्लैब का फॉर्मवर्क रेडी किया जा रहा है। ये टोटल इसको 3 जोन में मतलब के डिवाइड करके इसकी प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट की जा रही है और आज आप देखेंगे डेवलपर ने अपनी कमिटमेंट्स को ना सिर्फ फुलफिल किया बल्कि कस्टमर्स की 100% सेटिस्फेक्शन भी देखी जाए तो आपको बहरिया स्काई में देखने में आती है फेस 4 में। अब सेम डेवलपर ने अपना सेम प्रोजेक्ट आपको अब दिया है मेन फिरोजपुर रोड पर, लाहौर स्काई के नाम से वो प्रोजेक्ट जो है वो मुतारिफ करवाया गया है सेम एज इट इज़। आपको जैसा कि इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करने के बाद पेमेंट प्लान देखने में आया था सेम एज आपको वहाँ भी पहले इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट की जाएगी लाहौर स्काई की, उसके बाद आपको उसका पेमेंट प्लान देखने में आएगा। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिससे कस्टमर 100% सेटिस्फाइड रहता है कि हम जहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एक तो इनको डिलीवरी भी ऑन टाइम मिल रही हो और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में जा रही हो। तो उसमें लाहौर का एक ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है आने वाले वक्त का मेन फिरोजपुर रोड का मेगा प्रोजेक्ट। टोटल एरिया की बात करें तो 100% LD अप्रूव्ड इनके पास 73 कैनाल का टोटल एरिया है जिसमें अभी सिर्फ एक टावर जो है वो मुतारिफ करवाया गया है जिसकी हाइट 350 फीट होने वाली है। लाहौर स्काई के नाम से वेरी फर्स्ट हाइट जिसको मुतारिफ करवाया गया है उसका जो टोटल एरिया होने वाला है वो 20 कैनाल का होने वाला है जिसमें आपको 1000+ कार पार्किंग मिलेगी। इसके अलावा आपको कमर्शियल आउटलेट्स वहाँ मिलेंगी, अपार्टमेंट्स मिलेंगे, पेंट हाउसेस मिलेंगे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ आपको फूड कोर्ट एरिया मिलेगा। जो लोग यहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं अवेल कर पाए, जो बहरिया स्काई में आज चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें लेकिन उनको टॉप की लोकेशंस नहीं मिलती, ग्राउंड फ्लोर में उनको ऑप्शंस नहीं मिलती हैं या फर्स्ट फ्लोर की तरफ या सेकंड फ्लोर में प्ले लैंड एरिया के पास में कोई ऑप्शंस अभी नहीं मिलती हैं या फूड कोर्ट एरिया में वो तलाश कर रहे होते हैं कोई ऐसी ऑप्शन जिसमें वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर सकें, उनको यहाँ नहीं मिलती, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो मेन फिरोजपुर पर बिल्कुल सेंट्रल पार्क और पाम सिटी से पहले एक प्रोजेक्ट जो है बल्कीस हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाहौर स्काई जिसकी पहले डेवलपमेंट स्टार्ट की जाएगी, अभी इसकी प्रॉपर जो ऑफिशियली लॉन्चिंग की जाएगी वो 20 जनवरी के बाद इसकी ऑफिशियली लॉन्चिंग की जाएगी, उसके बाद आपको इसका पेमेंट प्लान देखने में आएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका 4 साल का पेमेंट प्लान होगा जिसमें आप 20% डाउन पेमेंट के साथ बुकिंग करवा कर सेम है जैसे कि बहरिया स्काई में आपने स्टार्टिंग में 20% डाउन पेमेंट के साथ बुकिंग करवाई थी और उसके बाद अपनी इंस्टॉलमेंट्स को फर्दर आपने प्रोसीड किया था, सेम है वहाँ भी आप अपनी पहले 20% डाउन पेमेंट के साथ बुकिंग करवाएंगे। टॉप की लोकेशंस आपका इंतजार करेंगे कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, वो लोकेशंस होंगी जो पहले मतलब के सोल्ड होने वाली लोकेशन होती हैं, ब्रांड्स की फेवरेट लोकेशंस को आप फाइनलाइज करके ब्रांड्स को अपनी शॉप को रेंट आउट करके एक अच्छी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं।
मेन फिरोजपुर पर सेंट्रो पार्क के बहुत से मतलब के जो इन्वेस्टर्स थे एंड यूजर्स थे मुझसे डिमांड कर रहे होते थे हम रायमंड रोड हमारे लिए थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, फेज़ फोर में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, मेन फिरोजपुर पर कोई अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर आए तो आप हमें ज़रूर अपडेट कीजिएगा। तो जी हाँ व्यूअर्स, अब आपके पास आ चुका है लाहौर स्काई जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कमर्शियल आउटलेट्स में, अपार्टमेंट्स में या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपार्टमेंट को आप कंसिडर कर सकते हैं। आज आप बहरिया स्काई को देखें तो यहाँ डेवलपर ने अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल किया, जिन इन्वेस्टर्स ने या जिन एंड यूजर्स ने यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की थी आज वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में जा रहे हैं। अगर आप भी ऐसी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनना चाह रहे हैं तो मेन फिरोजपुर रोड पर लाहौर स्काई सीडीपी प्रॉपर्टीज़ की तरफ से आपको 100% रिकमेंड किया जाता है कि आप उसमें जब बुकिंग अनाउंस हो, जब उसका पेमेंट प्लान आए तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस पर आप उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें और अपनी प्रॉपर्टी को आने वाले वक्त में अगर सोल्ड आउट करते हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी हो और आपको एक अच्छी रेंटल इनकम भी, अगर उसको एज अ रेंटल इनकम आप कंसिडर करते हैं तो एज अ रेंटल इनकम आपको एक अच्छा रेंट भी वहाँ जनरेट हो रहा हो। तो लाहौर स्काई में बुकिंग का इंतजार करें। लाहौर स्काई में किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +9233111520। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।